जस्टिव देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह तुहाड़ा स्वागत करता। करोना खिलाफ पंजाब जंग किवें लड़े, पंजाब ने यह सवाल वार वार केंद्र अगे रखिया ते केंद्र तो यह सवाल पूछा तुसी करोना लई सानू दित्ता की है। इस सब दे जवाब दे विचाले अकाली भाजपा दे वड्डे आगू केंद्रीय वजीर मंत्री तक मैदान विच कुद पे ते उन्होंने दस्सिया कि असी तुहानू की दित्ता, सरकार तो की दवाया। इस सब दे बावजूद सियासत है वो ट्विटर वार तक पहुँच चुकी है ते ट्विटर वार तक सियासत पहुँचती है ते उत्थे फैक्ट्स रखे जाते हैं तो फैक्ट्स के विचाले सियासत यह सवाल करती पी है कि करोना खिलाफ़ जिहड़े फंड तुसीं दित्ते है वो जिहड़े केंद्रीय फंड है, जिहड़े केंद्रीय फंड के तहत जिहड़े होर स्कीमां हैगियां उस दे तहत सानू मिले है, करोना खिलाफ़ लड़न लई नहीं मिले। 71 करोड़ रुपए मिले है ये खजाना मंत्री कह रहे हैं। इस सब दे विचाले सवाल यह पूछा जाएगा कि असल में सच कौन छुपा रहा है या सच कौन दस रहा है। सवाल एक पूछा जाएगा, रिलीफ फंड से राजनीति की? इस इल्जाम तराशी नूं डिटेल में समझना पवेगा, सुनना पवेगा, उस तो बाद डिबेट असी करांगे। मनप्रीत बादल खजाना मंत्री पंजाब वो की कह रहे हैं, केंद्रीय वजीर हरसिंह बादल वो की कह रहे हैं, पहला उस सुन लिए। ये सारे सूबे दे नां है, पंजाब दा नां हैगा कि तुसी 247 करोड़ ते दूजा उसी तरीक नूं एक होर नोटिफिकेशन स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड तो तुसी 638 करोड़ होर तुसी यूज कर लो। सो 3 तरीक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 886 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को ट्रांसफर करते। इस साल जो साडा हिस्सा बनता है वह 495 करोड़ बनता है, 495 का अद्धा जिहड़ा है सानू इस महीने मिल चुका है। और ये जिहड़ा नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है ये 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है तो 25% ये स्टेट का शेयर है। और इस ही जिहड़े पैसे है 25 असी पाते, 4 ने असी पाते, 12 उन्हां दे आ गए है। 1,41,00,000 लोकां नूं, तकरीबन पंजाब दी 50% आबादी नूं, जे घर च भावें 5 मैंबर होन, भावें 6 होन, भावें 10 होन, हरेक नूं ये 5 किलो आटा ते 1 किलो दाल महीने दा। दरअसल नैशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक एक्ट बनिया सीगा, कांग्रेस की सरकार ने बनाया सी कि हर परिवार को 5 किलो महीने का कणक जिहड़ी है देनी है। पर क्योंकि एक क्राइसिस आ गया, ये 2 रुपए किलो मिलती सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाज जिहड़ा है इत्थे सड़ रहा सी, पंजाब दे विच ही सड़ रहा सी। इन्होंने कहता कि 5 किलो तो इलावा 5 किलो बिना किसी पैसे तो ये असी सारे हिंदुस्तान के लोगों को 3 महीनों वास्ते असी दे देंगे। जो तुहानू खरीदन दी लोड़ है, जो तैयारी करन दी लोड़ है, तुसी हुण इस महीने चे तुसी तैयारी करो, जिदे विच उहनां नूं 25 मार्च नूं इहनां ने पहले 41 करोड़ रुपए भेजे ते उहदे बाद 6 अप्रैल नूं दुबारा 72 करोड़ रुपए होर भेजे। 112 करोड़ तो वध रुपए केंद्र दी सरकार ने, कांग्रेस दी सूबे दी सरकार नूं भेजे ने। 71 करोड़ रुपया पूरे पंजाब वास्ते, करोना दी लड़ाई लड़न वास्ते 71 करोड़ रुपया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आया है, जिहड़ा कि एक जिले का 3 करोड़ भी नहीं बनता। इस तो अलावा एक दमड़ी भी जिहड़ी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों पंजाब नूं इस महामारी दे लड़न वास्ते नहीं आई। 2 किश्तां च केंद्र दी सरकार ने 1,129 करोड़ रुपए ते उहदे बाद 1,237 करोड़ रुपए, इन्हां नूं मिला के तकरीबन 2,300 करोड़ रुपए की रकम इन्हां नूं 2 बारी 20 मार्च तो बाद भेज चुके ताकि कोई घाट कमी ना रह जाए। ना कहन कि असी तनखा नहीं दे सके या असी तैयारी नहीं कर सके क्योंकि पैसे नहीं सके। 1,100 करोड़ GST दा आ गया, फिर 1,200 करोड़ फिर आ गया। मैं पंजाबी थोड़ा दसना चाहना है कि यह जिहड़ा 1,100 करोड़ ते 1,200 करोड़ आया ये पिछले 3 सालों के बकाए है जिहड़े कि असी लैने सी। पिछले साल का जिहड़ा 4,400 करोड़ रुपया बकाया पंजाब का GST दे एरियर्स दा पिया कॉम्पनसेशन दा, जे कोई थोड़ी सुनदा तो सानू वो दवा दो। कैप्टन साहब नूं अपनी फोटोआं छपवाउण वास्ते समां लग सकदा है कि थैलियां च फोटो छपनियां ने, सैनिटाइजर च फोटो छपना है, जी सद के छापन, लेकिन जिहड़ा गरीब भुखा मर रहा है, जिहदे बच्चे रो रहे ने, उहनां दे बारे ध्यान रखना कि मैनूं बोलण दा हक नहीं मिलदा जे मेरी सरकार ने भेजिया है कि तुहानूं तुहाडा हक नहीं मिलना चाहीदा। जे मैं बोल पई तो राजा साहब ने गाली गलोच ते नाल जवाब दिता। पिछले 20 साल जिहड़े पंजाब दा इतिहास है
ਉਹਦੇ ਚ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਛਾਲਦੇ। सवाल एक पुछांगे इस चर्चा के सवाल असं यह पुछांगे करोना खिलाफ लड़न लिए केंद्र के फंडा ते पंजाब च कलेश क्यों पिया, इस पिछे सियासत है की है, इस नूं समझण की कोशिश करांगे। पैनल साडा मौजूद है, खास मेहमान है, उन्हां तुहाडा तारुफ करा रहे रमन सुब्रमण्यम, पंजाब कांग्रेस के बहुत ही सीनियर आगू, तो लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, तो इस करके हमेशा कहिंदे आ कि मैनूं इस बारे बेहतर जानकारी है कि किस तरीके नाल ये फंडा बारे हिसाब रखा जाता, तो किस तरीके दसा जाता। सुब्रमण्य साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। मालविन सिंह कंग भारतीय जनता पार्टी के बुलारे, तो मालविन सिंह कंग पंजाब बीजेपी के जनरल सैकटरी जनरल सकत्र नवनियुक्त हुए ने। कंग साहब तुहानू नाले मुबारक, तो कंग साहब तुहाडा स्वागत भी है। प्रोफेसर मनजीत सिंह सियासी जानकार ने, पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद रहते हैं, तो प्रोफेसर मनजीत सिंह हरी भी इकनोमिक्स के स्टूडेंट है, इस करके उन्होंने सद्या। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा भी बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल रमन सुब्रमण्यम तुहानू करना चाहूँगा। रमन सुब्रमण्यम साहब, तुहानू हर गल ते केंद्र ते इतराज क्यों रहिंदा? जे केंद्र ने फंड दिते है तो खजाना मंत्री कहिंदे आ कि सिर्फ सानू 71 करोड़ रुपए मिले आ, जिहड़ी इत्थे फंड्स दी डिटेल है सेंटर दी वह भी तुसीं पढ़ी होगी सुब्रमण्यम साहब, तुसीं फैक्ट्स दे नाल बैठते हो। उस फंड्स दे विच दस्सिया गया कि पंजाब नू 823 करोड़ रुपए मिले आ, असल लड़ाई है की है सर सुब्रमण्यम साहब? पहली गल तो बराट साहब आपां समझ लेनी चाहिए है कि जिहड़ा यह जिहड़ा कोविड क्राइसिस आया है यह एक सुनामी वांग आया कि सिग्नल बड़ी देर पहला भी सानू मिल गए थे, पर वह गल्लां दे विचों बाद च जावांगे कि भी मोदी सरकार ने उन्हां नूं क्यों नहीं समझिया और क्यों एकदम लॉकडाउन आए। पर एक गल यह कि जदों इन्हां ने ब्रेक इकोनमी दी ते इको दिन दे विच चक्का जाम करता ते जिहड़ी अर्थव्यवस्था हैगी है वह लगभग जिहनूं कहीए कि इहनां नाल टॉपसी टर्वी हो गई कि पता नहीं लग्या हुण आना कित्थों है। फंड्स एकदम ड्राई अप होण लग पए। ये गल तो तुसीं समझते होवोंगे कि साढ़े एक सिस्टम हैगा वै जिहदे विच असी एक नवा कंसैप्ट लैके आए हो जिहड़ा GST का। GST दे विच असी पूल्ड फाइनैंशियल सोवरेनिटी का कंसैप्ट नाल लैके आए जिहदे विच असी बहुत सारा आइटम जिहड़ी हैगियां सीगियां वह गवर्नमेंट नूं कहा कि भी अज तो बाद क्योंकि यूनिफॉर्म टैक्सेशन होएगा और वह यूनिफॉर्म टैक्सेशन दे विच तुसीं जिहड़ा वै स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड दे विचों दी। इस तो बियॉन्ड जेड़ा भी पैसा आया वो पैसा जेड़ा हैगा वै वो जेड़ा अपना अपना जेड़ा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड हुंदा वै वो बकायदा एक तरह कट्ठा किया जाता वै जिहदे विच स्टेट जेड़ी 25% 75% सेंटर की कॉन्ट्रीब्यूशन हुंदी है, जेड़ा कोई भी नैशनल जेड़ा डिजास्टर हुंदा है उहदे लई इकट्ठा करदे आ। उस तो बियॉन्ड जे उहदे विच पैसा कोई चीज चाहिए होवे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਬਜਟਰੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸੇ ਹੋ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੈ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਵੈ। 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਵੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ CSR ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਚ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੀ ਲੜ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। 71 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 112.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ GST ਵੀ, ਉਹ GST ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀ 2366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ KP ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬ੍ਰਮਣ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ KP ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ NHRM ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ NDRF ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। 112.69 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਇਆ, COVID-19 ਦੀ ਲੜ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PPE ਕਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦ ਡੇਟ ਵਿਦ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ COVID-19 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਸੁਮਨ ਸਮਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੋਗੇ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ TV ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਾਹਿਬ,
एक चीज़ साफ कर दो, जो कंग साहब कह रहे हैं कि परसैप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब नाल केंद्र वितकरा करता पाया, ये आप परसैप्शन वाली पॉलिटिक्स ना पई है। मैं लगता बीजेपी को तुम भी क्लीयर कर दसो भी थोड़े को फंडस किन्ने आए हैं तो तुम कि फंडस किमें वरतने है, क्योंकि मैं लगता दर्शकों समझ नहीं आऊगा जोड़े आंकड़े डिटेल में तुम लोग पे हुए हो ना उन्हें ना मैनू लगता मेरे साढ़े दर्शकों को समझ नहीं कुछ आ रहा। सुब्रमण्य साहब मैं आ रहा प्रसमजीत सिंह को भी ब्राड साहब पहली गल जदों परसैप्शन प्रसुप्शन वाले वर्ड यूज होने शुरू हो जाना इहदा मतलब जिहड़ा बंदा परसैप्शन वाले वर्ड यूज कर रहा वै वह कोई गल या तो लुकाउण की कोशिश कर रहा छुपाउण की कोशिश कर रहा या झूठ बोलन की कोशिश कर रहा वै। गल्लां तां मेरी मैं ए कोई बुझारत तां है नहीं कि जी भी कित्थों आया कित्थों नहीं आया किहड़े-किहड़े हैड च आए इहदा ओपन जिहड़ा वै बिल्कुल एक साफ सुथरी गल हैगी है। इंपॉर्टेंट गल तो है जिहड़ा तुसी हाले तकर एक गल तुहानूं मैं दस दिया भी किसी तरह का भी इकनोमिक या फाइनैंशियल स्टिमुलस नहीं आया हाले तकर, तो सिर्फ जिहड़ी कहीए कि आ जिहड़ा एक महीने का लॉकडाउन है। देखो मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट गल दसा लॉकडाउन जिहड़ा वै उहदी सारी दी सारी जिहड़ी जिहनूं कहीए कि आपां जे उहदा क्रैडिट किसी एक चीज़ नूं देना होवे तां स्टेट गवर्नमेंट्स नूं देवांगे ते ए सारी दी सारी जिहड़ी परसैप्शन परसैप्शन डिवेलप करने की कोशिश यह कर रहे हैं कि मोदी साहब करा रहे हैं। जे मोदी साहब करा रहे हैं तो होम मिनिस्टर जिहड़े साहब ना तो ही सीआरपी दे रहे हो ना तुसी आर्मी दे रहे हो तुसी एनएसएस के बंदे तुसी जिहड़े वॉलंटियर लोकल लेवल लोवल के बंदे जिहड़े है तुहाडी उहदे विच की लॉकडाउन दे विच तुहाडा की रोल है कि अनाउंस करता अनाउंस तुसी कदों कीता। जो एक मिनट मेरी गल नहीं मेरी दूसरी गल जिहड़ी परसैप्शन की गल है जिहड़ी गल पैसों की वह पैसों नाल होनी है। तुसी जिहड़ा 2000 लोगों के अकाउंट च पाया कोई नहीं उहनूं मुकरदा, तुसी 500 रुपया जनधन च पाया कोई नहीं उहनूं मुकरदा, तुसी उज्वला दे विच पैसे दिते कोई नहीं इस नूं मुकरदा। ते जे असी क्यों इस गल नूं मुकरांगे भी जिहड़े तुसी स्टेट नूं देवोंगे जिहड़े स्टेट दे बंदे जिहड़े खर्चे है नाले तुसी जिहड़ा जीएसटी दित्ता वै ये तां उस टाइम दा दे रहे हैगे कि जदों कि तुहाडे कोले उह कलैक्ट होया होया वै। सोशल मीडिया का बड़ा इंपोर्टेंट रोल है। मैं ये गल कहना वा कि जे ओहदे विच पुलिस वाले किसी भी स्टेट दे विच चाहे वह लोगों नू करफ्यू दे विच रख रहे हैं चाहे उन्होंने जरूरत चीजा पहुंचा रहे हैं चाहे उन्होंने हेल्प कर रहे हैं और रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। चाहे वह हरियाणे दे विच बीजेपी की है हरियाणे च बीजेपी की है यूपी दे विच बीजेपी की है मध्य प्रदेश दे विच बीजेपी की है हरियाणे राजस्थान दे विच कांग्रेस की है पंजाब च कांग्रेस की है हिमाचल च बीजेपी। मैं उन्होंने क्रेडिट दिना वै स्टेट गवर्नमेंट दे अपरेटस नू ते सेंट्रल गवर्नमेंट का की इहदे च रोल है। ठीक है सर सोरण सर ठीक नहीं एक मिनट ठीक है जी तुसी उंगल ना खड़ी करो एक मिनट मेनू कंप्लीट कर लैन दियो फिर मैं तुसी मैं ऑब्जेक्ट नहीं करांगा। इंपॉर्टेंट गल है कि तुसी एक नेशनल डिजास्टर जिहड़ा मैनेजमेंट एक्ट हैगा वै उहदे विच हाले तक एक नेशनल प्लान बनना सीगा तुसी नेशनल प्लान हाले तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया क्यों नहीं दस्या कि भी साडी एग्जिट स्ट्रैटेजी की है क्यों नहीं दस्या कि भी असी जिहड़ा वै एमएसएमई लई की दे रहे हैं असी तुहाडा जिहड़ा पैसा आ रहा असी कित्थों लै रहे हैं साडा फिस्कल डेफिसिट किन्ना होर वधेगा कि साडे कोल फिस्कल डेफिसिट वधाउण दी गुंजाइश हैगी है कि नहीं है। आरबीआई तो जिहड़े तुसी पैसे लै रहे हो ओह तुसी ओह तुसी फिस्कल डेफिसिट च रह रहे हो या फिस्कल डेफिसिट नूं मोनेटाइज़ कर रहे हो तुसी इहनां चीजां बारे तो कोई गल कर ही नहीं रहे। ठीक ठीक है सर इसे करके ब्राड साहब ये जिहड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा कन्फ्यूजन नहीं परसैप्शन। मैं हले भी असी बेनीफिट ऑफ डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट नूं देवांगे पर मैं तुहानूं तुहाडे नाल अगले जदों लॉकडाउन खुल जाएगा उस तो बाद आके थोड़े नाल गल करांगे क्योंकि उदो तुहानूं पता लगेगा कि एक्चुअली जिहड़ा साडी जिहड़ी इकोनमी नूं किन्नी बुरी तरह नुकसान पहुंच चुक्या वै। ठीक है सर सोरोनी सर ठीक है मैं आ रहा कंग साहब आ रहा कंग साहब एक मिनट आ रहा कंग साहब आ रहा। प्रसमजीत सिंह तुसीं मनप्रीत बादल दी ट्विटर वार आस्तिक सिन्हा नाल भी देखी होगी। मेरा सवाल यह है सर जदों असी ट्विटर हैंडल ते चल जांदे उत्थे सारे फैक्ट्स देने पैंदे आ इस फैक्ट्स दे विचाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਹੁਣ 5-6 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਿਹਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ
असलियत यह है कि मैडम बीबा हरसिमरत कौर बादल उन्होंने जेडे पैसे जनरली स्टेटा वाल रिलीज होंगे है उसनू बिच जोड़ के कहता ते नाल एक थोड़ा जा हमला कर हमला वाली जी भाषा वरत के तो चीफ मिनिस्टर साहब नू भी सरकार कुछ कर नहीं रही सेंटर तो इन्नी मदद आ गई है उदेच की सीगा जितना हुण कंग साहब कह ही रहे थे NHM का 74 करोड़ रुपया सीगा मनरेगा के 74-75 करोड़ रुपये से फूड वाला सारा सीगा जिहड़ा जितना 5-5 किलो वाली गल यह भी सीगा वो मिला मिलू के 800-850 करोड़ रुपया जिवें तुसीं इंट्रो च कहना वो काफ़ी अपने आप कंप्रीहेंसिव है जिहड़ी शुरू च तुसीं 4 मिनट इंट्रो चलाई है उदों चीफ मिनिस्टर ने सीधा ही कह दिता मैनू एम लगता वह भी भाषा जी बड़ी एक्सट्रीम की सी वो गाली गलोच वाली जानी राजनीतिक भाषा च गाली गलोच वाली सी उत्थे दिल्ली बैठी की करती है ये कंपलसिव लाए रहा मतलब ये आदतन झूठ बोलन की इनू आदत आ मतलब जिवें तन ताने मिने एक छोटी गल है एक किस्म की बड़ी ही अग्यों उस तरह ही चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा हमलावर भाषा जी वरती से उस बाद फिर ये मनप्रीत बादल आए उन्होंने कहा कि सानू 71 करोड़ मिले जी ट्विटर जंग हैगी जिहड़ा COVID-19 फाइट करने के नाते जिहड़ा पैसा आया सिर्फ 71 करोड़ मिलिया बाकी साढ़े जिहड़े रूटीन अगे ऑलरेडी हैड है सेंटर स्टेट के उन्हां च पैसा आया इहदे विच मैनूं लगता कमी यह सी कि यह सैपरेट करके कहना चाहिए सीगा बीबा हरसिमरत बादल नूं कि इन्ना पैसा कोविड लिया इन्ना असीं बाकी रिलीज किया उहनूं तुसीं हुण वध जिन्ना भी पंजाब लई ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਝ ਜਾਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पर मैनू ये जी सब तो सारी सारी जंग दे विच अफसोसजनक गल के पी सिंह लगी हैगी जिस तरह कंग जी ने भी कहा आ कि देखो प्रधानमंत्री की लीडरशिप सारा देश कट्ठा आ पंजाब दे विच आपां सारे इकट्ठे क्यों नहीं होंदे पंजाब क्या पंजाबी साडी कोई आइडेंटिटी नहीं पंजाब असी इत्थे एक दूजे दीआं लत्तां खिच्चण च इन्नी नैरो मायोपिक पॉलिटिक्स जिहड़ी कहिंदे सौड़ी राजनीति च इन्हां हालातां विच भी जदों दुनिया तरह तरह सारी दुनिया दे विच होया पिया अजे भी तुसी छोटियां छोटियां गल्लां लई मैनू क्रेडिट मिल जे ओहदी स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट मैनू लगदा असी किस किस्म दे बंदे आ कि अजे असी उन्हां गल्लां तों उपर उठ के राजनीति ठीक है प्रसन्न जी तुसी मानवता दा जिहड़ा रूप जिहड़ा चाहीदा उस दा अग्गे आउणा चाहीदा तुसी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट चुक्या असी इकट्ठे क्यों नहीं हुंदे पए मैं भी जदों इह डिबेट शुरू करनी सी उदों मैं आ रहा सुब्रमण्य साहब आ रहे एक मिनट कंग साहब तुहाडे कोल आ रहे मैं जो डिबेट शुरू करनी सी उदों ही मैं सोच रहा सीगा सानूं इहो जी डिबेट विच पैना चाहिए कि नहीं पैना चाहिए इहो जी डिबेट शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पर यह लगातार जिहड़ा मामला रुकदा नहीं पिया प्रसमजीत सिंह इस करके मैनूं डिबेट करनी पै रही है कंग साहब चीफ मिनिस्टर ऑफिस तो अमित शाह हरां नूं फिर एक चिट्ठी गई है इत्थों फिर अपील की गई है मेरे को जिहड़ी हुणे खबर आई है उहदे विच कहा गया कि साडे जिहड़े पेंडिंग इशू हैगे आ क्रिटिकल नीड हैगी आ पंजाब दी उह मसले आ सॉर्ट आउट किए जाण पूरी पूरा पढ़ लियो तुसीं बहुत वड्डी प्रेस रिलीज़ हैगी है कंग साहब जे तुसी पंजाब लई वाकई सुहिरद हैगे हो CM साहब भी अपील करदे पे आ तुसी सारे एक कह रहे हो इकट्ठे हो के सानू लड़ना पऊगा ते जिहड़े पेंडिंग इशूज हैगे आ पंजाब दे कंप्लीट करवा दो ना केंद्र नूं कह के आ रहे सुब्रमण्य साहब कंग साहब KP जी हुण मैनूं टाइम दे लियो सवाल प्रोफेसर साहब ने भी चुकिया ते मेरे साथी सुब्रमण्य स्वामी जी जिहड़े उहनां दे भी जवाब देखो जित्थों तक गल है भी इह लड़ाई शुरू कित्थों होई जदों श्रोमणी रागी जिहड़े साडे पद्म श्री निर्मल सिंह जी की डैथ हो जाती है तो अमृतसर च जिहड़ा होस्पिटल च डॉक्टर ने उन्हों का इलाज नहीं किया उन्हों की अणगहली करके हुई क्योंकि उन्होंने को PPE किट नहीं सी उदों यह मसला उठा उदों यह गल कही भी पंजाब के डॉक्टर को किट ही नहीं हैगी इलाज की करनगे इतों मसला यह लै गया तो उदों सेंटर ने कहा भी असीं उन्होंने क्या है भी एमरजेंसी तुसीं नैशनल डिजास्टर का जिहड़ा हैगा फंड वरत लो और जिहड़ा हैगा असीं नैशनल हैल्थ मिशन के अंडर भी 112 करोड़ रुपया दिता है उन्होंने वर सकते हैं जिहड़ा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ना जी असं कट्ठे क्यों नहीं हो रहे मैं अपने पहले सैजमेंट भी गल कही सी भी असं प्रधानमंत्री टीम इंडिया के रूप च काम कर रहे हैं पंजाब के CM साहब नूं वार वार असं रिक्वेस्ट की ऑल पार्टी मीटिंग करो सुखबीर बादल
ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਬਾਅ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਔਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣਿਅਮ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ लड़ाई उथो शुरू करिए ना जिथो जिथो चल रही है बाकी योजना क्यों पै जाने आप क्या केंद्र ने पंजाब ना कोई वितकरा कीता बिल्कुल नहीं कीता पंजाब दा जेड़ा बनता हक है वो भी दिता कोविड 19 ना लड़ाई कर ली भी पैसा दिता देखो मैं दसदा दो तीन चीजा मैं तुहानू गड़ा दिना पिछले एक महीने च टैक्स डिवोल्यूशन दे जेड़े अंडर पैसा आना ही पंजाब दा मैं नहीं कह रहा ते कोई स्पैशल ग्रांट दिती आ 823 करोड़ रुपया वो आया जीएसटी मैं पहला भी दस्या 2,366 करोड़ रुपया पिछले एक महीने च आया इस तो इलावा नेशनल डिजास्टर के अंडर पैसा सरकार ने ऑथराइज किया भी तुसी पैसा वरत लो 245 करोड़ रुपया 248 करोड़ रुपया ओदे लिए आया इस तो अलावा पंजाब के 1,42,00,000 लोगों लिए अनाज जिहड़ा आया जिहदे च 5 किलो कणक ते 1 किलो दाल हरेक बंदे नूं मिलनी आ और अगले 3 महीने तक फ्री मिलनी आ रिलीफ फंड राजनीति की हैगी असीं समझण दी कोशिश कर रहे हैं मैं वैसे तो यह 2 सैगमेंट पे है प्रोग्राम पे 15-20 मिनट तक होर पर मैं एडवांस तुहाड़े तों खिमा मंग लैना सारे दर्शकों तों जे ये राजनीति तुहानूं समझ ना आवे तो मेरा कसूर जान के मैनूं माफ़ कर दिओ ब्रेक तों वापस आ रहे सवाल एक पुछने सवाल असं पुछने हैं कोरोना खिलाफ लड़न लिए केंद्र के फंडा पंजाब कलेश क्यों पिया कंग साहब तुम अपनी गल पूरी करो फटाफट प्लीज मैं कह रहा 2-3 चीजा मैं दसदा और मैं बार बार ये गल बड़ी बड़ी निम्रता कह रहा भी असी कोई वितकरा पंजाब ना नहीं किया देखो 1,42,00,000 2,72,75,00,000 आबादी है पंजाब की जिसों 1,42,00,000 लोगों लिए अनाज और हरेक परिवार लिए अगले 3 महीने तक फ्री आया ये आप भी मानते हैं कांग्रेस वाले पीएम किसान के अंडर भी 364 करोड़ रुपया आया इस तो अलावा जनधन योजना च भी 165 करोड़ रुपया आया इस तो अलावा जेड़ा विधवा पेंशन है उसके अंडर भी 190 करोड़ रुपया आया इस तो अलावा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाले जेड़े बंदे जिन्होंने काम नहीं मिल रहा उसके वास्ते 190.8 करोड़ रुपया पिछले एक महीने च आया मेरा मतलब कहने का यह है केपी जी वितकरा किसी तरह नहीं हो सारे लोगों की लड़ाई आ सारे लोग मिलके लड़ रहे हैं सारा देश मिलके लड़ रहा और पंजाब होवे दिल्ली होवे यूपी होवे कोई भी स्टेट होवे ठीक है सर सारे की सांझी लड़ाई है ठीक है कंग साहब ठीक है तुहाड़ा पॉइंट आ गया कंग साहब तुहाड़ा पॉइंट आ गया सुब्रमण्यम साहब आप तो पहले गल की है कि यह प्रधानमंत्री की टीम इंडिया की लड़ाई नहीं हैगी जी तुसी कह रहे हो कि सूबा सरकार आपके पद्धर से सब कुछ कर दिया पी सुब्रमण्यम साहब जेड़े फैक्ट बीजेपी ने तुहाडे अगे रखे है सारे फैक्ट गलत है सुब्रमण्यम साहब एक चीज़ बीजेपी ने यह साफ की है कि केंद्र पंजाब नाल वितकरा नहीं करता पाया तुहाडी लाइन तो मैं इवें लगता पाया कि तुसी ये कहना चाहते हो कि केंद्र पंजाब नाल वितकरा करता पाया सुब्रमण्यम साहब सर मैनू तो ना अपने कंग साहब की गल्लां ते आसा आ रहा वै ये जेड़े भी पैसे आ रहे हैं समझते पे है कोविड नू लड़न लई आ रहे हैं ते वो जेड़े पैसे दे रहे हैं दान च दे रहे ने मेरी गल सुनो लोकां नू मार्च दी तनखा नहीं दित्ती मेरी गल ते सुन लिया करो बोलना नहीं सर बोलना नहीं उठना बोलो कंग साहब आ रहे हैं खर्चे है पिछले सरकार मैं गल तो किन्ने आए कोविड लई 71 करोड़ पाया वह असि ना तो मुकरते पे ना उसकी गल है पर मैं थोनू एक गल दसना चाहना पाया मैं
कि यह मैं इकला पंजाब सरकार नहीं कली हैगी कि जी किंतु परंतु करती पई है, सेंटर दियां सारियां सरकारां जिहड़ियां बाकी दियां सरकारां वो भी करती पई है, ममता बनर्जी भी करती पई है, राजस्थान वाले भी कर रहे हैं, बीजू भी कर रहे हैगे ने, तमिलनाडु वाले भी कर रहे हैं, केरला वाले भी कर रहे हैं, ईवन तो हुण तो मध्य प्रदेश वाले इन्हां दे अपने चीफ मिनिस्टर वो भी कर रहे हैं। तो मेरी बेनती तुहानूं है, अच्छा देखो गल होर, पहली गल के इस दे विच जिन्ना भी फिस्कल डेफिसिट या जिहड़ा मोनेटाइजेशन जिहड़ी है जिहड़ी पैसे दी जिहड़ी क्रिएशन है उहदी जिहड़ी सोवरेन इहदे विच पावर जिहड़ी है उह सेंट्रल गवर्नमेंट कोले है, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੂਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ 3.5%। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ FRBM ਐਕਟ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ FRBM ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 3% ਆਫ ਦਾ GDP ਤੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.5% ਹੋਰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਪਾਂ 0.5% ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0.5% ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ 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 ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ 3.5% ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ 1-2% ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੁਬਰਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਬਰਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 3% ਤੱਕ ਜਾਂ 1-2% ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੁਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ 4,00,000 ਕਰੋੜ 5,00,000 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 14-15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਬਰਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਓ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੀਗਾ, ਜੋ BJP ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਾਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਰ ਰੇਟ ਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ GDP ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ KP ਸਿੰਘ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਕੁੰਟੀ ਖੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਫਲਾਨਾ ਕਰਫਿਊ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੀ 21 ਦਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਹੋਰ 19 ਦਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਉਲਝੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੀਏ।
जे लॉकडाउन करोगे ना तो फिर रोटी नहीं देनी लोगों को घरों घरी फिर ये किवें कह दोगे कि ताही पांच पांच किलो आ गया आ गया आ गया घरां च बंद कर दोगे लोगों को फिर कहोगे कि असी जी तुहानू अनाज दिता ये कोई आसान किया देना नहीं सी गया भुखे मारने अज की डेट च भी किन्ने लोग कि लोग दो डंग रोटी नहीं खा रहे कोई किसी विरोधी पार्टी की नहीं सरकार की मिनिस्ट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट आ कि बहुत सारे लोगों दो डंग की रोटी नहीं मिल रही एक डंग की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं कि यह जी लॉकडाउन किया घरों घर बंद किया पता नहीं किन्ने दिन रहना असं भुखे ना मर जाइए भुखमरी नाल भी बहुत बुरा हाल है लोगों का ये बारे जे कोई ये गल साडे देश च इन्ना अनाज पे है इन्ना अनाज पे कि जो तुम ओ 80% भी वंड लियो तो जो मुड़ के रिकूप हो जाना है हूँ साडा जो किन्ना 135 लाख मैट्रिक टन से साडे पंजाब चो ही जी कणक हो गई है सारे सारे देश में 400 जड़ा लाख मैट्रिक टन जी कणक है वह कट्ठी होनी है अनाज है इस वे इस करके कोई किसी किस्म की FCI दे विच घाट नहीं है। ठीक है सर एक छोटा ब्रेक लेना ब्रेक तो वापस आ रहे हैं प्रसमनजीत सिंह वापस आ रहे हैं साढ़े को बहुत अनाज पिया असं उन्होंने वंड क्यों नहीं पा रहे यह सवाल प्रसमनजीत सिंह ने चुकया वंडांगे किमें क्योंकि वंडियां तो साड़ी सियासत में पईयां होईयां उस वंडियां नूं पहलां दूर करांगे तां ही असी अखीरले आदमी तक अखीरले शख्स तक ये सब कुछ जिहड़ी मदद है कि वह दे सकते हैं रिलीफ फंड ते राजनीति की हैगी ब्रेक तो फिर वापस आ रहे हैं आखिरी हिस्से में असी असी सवाल इको पुछ रहे सवाल असी पुछ रहे हैं करोना खिलाफ़ लड़न लई केंद्र दे फंडां ते पंजाब च कलेश क्यों पिया सुब्रमण्यम साहब आपां बिल्कुल एक आखिरी मैं सवाल तुहाड़े तों लैणा सुब्रमण्यम साहब उनका कृपा करके टू द पॉइंट जो मैं जवाब मिल जूगा तो साढ़े दर्शक भी खुश समझ जाएंगे वैसे मैं माफ़ी पहले मंग चुकिया मैं उन्होंने सुब्रमण्यम साहब मनप्रीत बादल भी यह गल कहते जी गल तुम कह रहे हो 71 करोड़ तो वध पंजाब नूं कुछ नहीं मिले गा जिहड़ा एक फंड उन्होंने 823 करोड़ 850 करोड़ का जिहड़ा दिता है उस बारे में हाँ उस बारे भी थोड़ी स्थिति साफ कर दो कुल मिला के पंजाब नूं करोना दे लई की फंड मिलिया किन्ना राशन मिलिया जे थोड़ा डिटेल च मैनूं दस दो तो बेहतर होगा। देखो जेड़िया जेड़ा के पीडीएस दे थ्रू मिलिया वे नॉन पीडीएस दे थ्रू मिलिया वे वो जेड़ा 71 करोड़ मिलिया वे वो चीजां नूं मैं डिले नहीं करना मैं कहना मैं सार्थक डिबेट आले पासे तुरां मेरे हिसाब नाल जे तुसी इस डिबेट नूं किसे कंक्लूजन ते लेके जाना मैं इंपोर्टेंट गल इह है वी जे इन्हां ने कोई कैलकुलेशन कीती होई है ते 3 मई तो पहला ये जड़ा नैशनल प्लान अपना डिस्कलोज कर देन उदे विच कह देन के भी असी इन्ने लाख करोड़ जड़ा वै फिस्कल डेफिसिट च जावेगा हरेक स्टेट नू इस प्रपोर्शन दे विच उदी पॉपुलेशन दे क्राइटेरिया दे उदे इनकम दे क्राइटेरिया ते उदे किसे दे भी क्राइटेरिया ते तुहानू इन्ना पैसा मिलेगा और उदे विच तुसी अपना केड़ियां चीजियां चीजां वै जिहड़ियां के तुसी अज क्योंकि अज दी डेट च नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हैगा वै इस डेट के स्टेट की कोई भी पावर नहीं है कि वो अपने 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 बलबूते से कुछ भी कर ले क्योंकि तो सारे वो है मेरा अपना यह मनना वै कि जे आप चाहते हैं भी एक यूनाइटेड फाइट लगे ये लगे कि भी असी सारे के सारे जड़े है कोविड COVID-19 जरा वै उस डिफीट करने के लोगों दान बचाने असी कामयाब होवे ये सिर्फ और सिर्फ असी होवे जे अज की डेट दे विच गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि भी असी इन्ने लख करोड़ का एक जिहड़ा वै नवा जिहड़ा वै कोविड फिस्कल पैकेज देवांगे क्योंकि जिहड़ियां बाकी दियां कंट्रियां वै सुनो मेरी गल वो कोई 20% ऑफ द GDP कर रही है कोई 15% कर रही है कोई 10% कर रही है असी तां हले 1% अनाउंस करन तों बाद बिल्कुल सवाल ये है सुब्रमण्यम साहब सवाल ये है हुण तुसीं सवाल ते आए हो कंग साहब एक मिंट कंग साहब टू द पॉइंट गल करियो मैं उन्होंने भी गुजारिश की मैं तुम्हें भी गुजारिश कर रहा कंग साहब मेरे दो सवालों का जवाब दे दो कंग साहब एक मिनट प्लीज सुन लो कंग साहब एक तो वह कह रहे नैशनल प्लान दसया जाए पूरे देश की जनता को भी तुम की कर जा रहे हो एक सवाल यह है कि GDP का किन्ने फीसद है जोड़ा असी वो पैकेज के रूप में सूबे तक लैके जाना है इस दोनों सवालों का जवाब दे दो कंग साहब जो है तो गोड़ मोला करियो प्लीज मेरी गल सुनो TKP जी तुम काइंडली मैं पूरा टाइम दो बाश ना रहो बड़ी वधिया डिबेट कर रहे हो मेरी गल सुनो आपां डिबेट अज रखी सी भी पंजाब नूं फंड मिल रहा नहीं मिल रहा वितकरा हो रहा नहीं हो रहा इस ते रखी सी मैं अपने फैक्ट और फिगर रखे हुण सुब्रमण्यम स्वामी जी भी सहमत हो रहे भी नहीं हो रहा नहीं सानूं मिल रहा दूसरी गल प्लान दी तुसीं तां गल है
मैं कह रहा भी जो पिछले एक महीने 112.69 करोड़ से नैशनल हेल्थ मिशन के अंडर मिलिया उस तो अलावा सरकार इमरजेंसी च जो नैशनल डिजास्टर का फंड यूज कर रहे हो कोई समझ नहीं आ रहा कांग साहब आप एक मिनट चुप कर दिए ना कांग साहब मेरा सवाल ले लो नहीं सुब्रमण्य साहब का सवाल लेना था मेरा सवाल ले लो मैं सवाल तो कर रहा कांग साहब एक मिनट सुब्रमण्य साहब प्लीज एक मिनट सिर्फ एक मिनट दे दो सवाल सुब्रमण्य साहब एक मिनट सवाल हाँ बोलो प्लीज बोलो बोलो सर एक सवाल पूछ लो बोलो सर एक सवाल पूछ लो बोलो जी बोलो मेरा एक सवाल बोलो एक सवाल है मैं ये कहना मैं कह भी ₹10 सर मैं सानू तुम ₹10 दिते असि जिन्ना तुम कहने अभी मान ले पर सानू ₹100 चाहिए दसो ₹90 कितों आ रहे हैं पिछले महीने सरकार ने अनाउंस किया सारी एमरजेंसी हालात और दूसरी जेड़ी गल हरेक स्टेट के मुख्यमंत्री पिछले एक महीने 3 बार हरेक इशू ते रह लई गई आ अगले आने वाले टाइम च की होना है ओदे बारे भी सारे मुख्यमंत्रियों की राय ली गई है अज फिर मुख्यमंत्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है ओदी ब्रीफिंग भी सेंटर सरकार की आजूगी सुन लो मेरी गल कांग साहब ब्रीफिंग होने तो बाद कांग साहब सवाल भी ले लो ना कांग साहब ब्रीफिंग होने तो बाद भी सीएम नु बार बार अपील करनी पै रही है क्यों करनी पै रही है जब सीएम भी सियासत कर दे पंजाब दे ये कह रहे हैं कि तुसी लॉकडाउन करता लॉकडाउन तो पहला तो पंजाब ने कर्फ्यू लागू करता सी और इस बार दूसरा लॉकडाउन तो पहला भी पंजाब ने कर्फ्यू लागू किया असीं उन्हूं माड़ा नहीं कह रहे असीं उन्हूं चंगा कह रहे हैं लेकिन सेंटर सरकार हरेक इशू ते सूबियां नूं नाल लैके चली आ जिथों तक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि प्लैन देखो प्लैन की गल मैं कह रहा पिछले महीने का प्लैन 176,000 करोड़ का सी राशन वंडिया थ्रू वंडिया कांग्रेस के एमसीआं ने गुंडागर्दी एमएलएआं ने अपने अपने लोगों को राशन दिता और च भी वितकरा किया गया मंडियां च आड़तियां नूं जिहड़े पास दिते और च भी वितकरा किया गया कांग्रेसी आड़तियां नूं पास दिते गए सेंटर सरकार ने चलो तो हुण हुण जिहड़ा सुण लो बहुत सियासत हेठले पद्धर ते आ गई है मंडी एक्ट में कर लो तुहानूं सेंटर सरकार बहुत हेठले पद्धर ते आ गई है सियासत सर प्रोफेसर मनजीत सिंह देखो
जो भी है सो फार सो गुड। जेड़ा 176,000 करोड़ की गल कर रहा वो सारी एमरजेंसी लाने तो पहला की गल्ला सी वो बहुत देर पुरानी गल है, वो 1.5-2 महीने पुरानी गल हैगी है। गल हुण सुन लो, इस वेले देश दे विच जे एमरजेंसी नूं मिलना, जे हुण वाली एमरजेंसी दा, एक मिनट कांग साहब, एक मिनट प्लीज कांग साहब, एक मिनट सुन लो ना, प्लीज सुन लो। तकरीबन 5 लाख करोड़ कांग साहब, मैं पहले तकीद की थी, विच ना बोलियो प्लीज। 5 लाख करोड़ रुपया मैं आ रहा तुहाडे कोल, आ रहा चाहिदा हैगा, ओहदे नाल कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। होया इत्थे की है कि सारे देश दे प्रधानमंत्री ते जिहड़े प्रेजिडेंट देश दे नहीं दुनिया दे, ओह ते सारे लोकां नूं पैसे वंड रहे आ, उहनां दे अकाउंट च पा रहे आ। साडे ज्यों ही इह लॉकडाउन हुंदा ते प्रधानमंत्री कहिंदा मैनूं पैसे दिओ, अपना जी खोल दित्ता। इत्थे चीफ मिनिस्टर ने भी खोलता, चलो जो भी है, जो नहीं पैसे है ते करदे आ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਨੱਕ ਤੱਕ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਢਾਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। 50,000 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡੀਏ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਬਰਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।